मैम चलो जैसे स्टार्ट कहीं कर। इक्वेशन का ऑर्डर 2 हो। ओके, जिस भी डिफरेंशियल इक्वेशंस का ऑर्डर 2 हो वो हमारी क्या होती है? ऑर्डर मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। इफ अ एंड मैम डिफरेंशियल, उसमें 2 कॉन्स्टेंट्स होते हैं। गुड, सॉल्यूशंस में कितने कॉन्स्टेंट्स होंगे? एटलीस्ट 2 कॉन्स्टेंट्स तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे। So, look at the heading of this practical, that is the plotting of, just a minute, plotting of second and third order family of differential equation. Family of differential equations का जो इसका मीनिंग है कि आपके पास सेकेंड ऑर्डर की, अभी जरा ये मैंने आप लोगों के लिए लिखा था, इसको मैं मिस कर देती हूँ, कमांड पर बाद में आते हैं। सेकेंड ऑर्डर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई विच इज इक्वल टू 0। इट मीन्स वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। वी आर डिफरेंशिएट हियर 2 टाइम्स। द मीनिंग ऑफ दिस डेरिवेटिव डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। नाउ दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 डिफरेंशियल इक्वेशन। वाई दिस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर 2? बिकॉज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज प्रेजेंट हियर इन दिस इक्वेशन। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जो जनरल फॉर्म होगी दैट इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड डी वाई अपॉन डी एक्स शुड बी डी लाइक दिस। दिस इज द जनरल फॉर्म। जब हमने लिखा डी वाई, वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड डी वाई अपॉन डी एक्स इट मीन्स द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, यानी कि आपके पास इक्वेशन में ये वाली टर्म्स इन्वॉल्व होंगी। फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव एंड डिपेंडेंट एंड इनडिपेंडेंट वेरिएबल्स। सिमिलरली अगर आपके पास ऑर्डर 2 की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इस तरह की इक्वेशन में आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? एक्स वाई एंड डी वाई अपॉन डी एक्स भी इंक्लूड होगा। तो सेकेंड ऑर्डर ये तो होगा ही होगा, साथ में अब ये क्या आ गया, सिर्फ ओनली वाई विच इज इक्वल टू 0। सपोज दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2। फैमिली ऑफ कर्व का मीनिंग है जो भी इसके पास आपका इस तरह की इक्वेशंस को, वी हैव 2 पार्ट, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस कैसे फाइंड आउट करते हो, पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट कर रहे हो, इसमें मुझे नहीं जाना है, ये सर आपको बताएंगे। बट द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में आपके पास 2 कॉन्स्टेंट एटलीस्ट इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, सपोज आई हैव द रूट्स 1 एंड -1, वट विल बी द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन? c1e^x प्लस e2e^x। यहाँ आपको ये सॉल्यूशंस मैन्युअली नहीं डिफाइन करना, आपको मैथमेटिका में सेकेंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना है, और फैमिली ऑफ कर्व में आपको c1 और c2 की एटलीस्ट 2 या 3 वैल्यूज लेनी है। जब जैसे जैसे मैं c1 और c2 चेंज करूंगी तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर में जैसे हमने सीखा था e^x, जैसे जैसे आप जनरल सॉल्यूशन में सी चेंज कर रहे थे आपका सॉल्यूशन भी कैसा आ रहा था, e^x, 2e^x, 3e^x। सिमिलरली अगर आपके पास सेकेंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आपको फैमिली ऑफ कर्व का मीनिंग है कि आपको c1 एंड c2 हर बार चेंज करनी है। तो एटलीस्ट हमें कितने सॉल्यूशंस चाहिए, एटलीस्ट मैंने यहाँ पर 4 सॉल्यूशंस की बात की है। तो अब डिपेंड करते हैं कि आपका जो लैपटॉप है वो कैसे, किस तरह से आपका सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है उसमें, या आपके मोबाइल में कितना आउटपुट दे रहा है। तो हैवी कमांड है, एक एक क्वेश्चन को आप आराम आराम से करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर हमने देखा, फैमिली ऑफ कर्व का मीनिंग भी देखा कि आपके पास एटलीस्ट 4 सॉल्यूशंस की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दूंगी और उनको सॉल्व करेंगे। तो मैथमेटिका में मैंने सपोज आपको करना है तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा सॉल्व एंड प्लॉट 2 की जगह 3, मतलब 3 सॉल्यूशंस की भी बात कर सकते हो। मैंने यहाँ 4 लिखा है, 4 सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा, इसके पार्ट मैं अभी दूंगी। तो फर्स्ट अगर मैंने क्वेश्चन लिखा है दिस वाई डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू 0, ये आपको क्वेश्चन इसी तरह लिखना है। ठीक है,
अब ये मैथमेटिका में कमांड कैसे वर्क करेगी, ये हमने किया है फर्स्ट ऑर्डर की जगह क्या हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर, इसको नेम दोगे कुछ इस इक्वेशन को, द सोल्यूशन विच इज इक्वल टू डी सॉल्व फॉर सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस कमांड डी सॉल्व मीन्स हम किसके लिए यूज कर रहे हैं सेकेंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम डी सॉल्व कमांड यूज करते हैं. तो यहाँ हमारे पास सेकेंड ऑर्डर की है, तो जस्ट राइट योर डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज वाई डबल डैश इन ए स्क्वायर ब्रैकेट एक्स प्लस वाई एक्स इक्वल टू जीरो, वाई एक्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इज इट ओके? यस मैम. ओके, अब हम इसमें फैमिली ऑफ कर्व में किस तरह से देंगे ये जरा मैं बताती हूँ नेक्स्ट पेज पर. मैम, हाँ जी बेटा, जो आपने डी सॉल्व के आगे इक्वल्स टू लगाया हुआ है उसके आगे भी हमें उसका कुछ नाम देना है ना, जैसे लास्ट टाइम ए दिया था. हाँ हाँ, आप ए दे सकते हो, बी दे सकते हो. आप देखो कि अभी मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन क्यों नेम दिया है, अभी आगे मैं बताने वाली थी इसी को ही. जो आपको कन्वीनियंट हो वो आप लिखो, आप ए बी सी डी भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, नाम अपनी चॉइस है. मैंने सॉल्यूशन क्यों दिया है नेम, आप यहाँ देखोगे, आप सीक्वेंस चलाना इसमें क्वेश्चंस की सॉल्यूशंस के लिए. मेरे पास क्या है, फर्स्ट सॉल्यूशन मैंने फाइंड आउट किया, आपका जो फर्स्ट आएगा इसका आउटपुट सॉल्व दिया, नेम दिया मैंने सेकेंड सॉल्यूशन वन, उसमें मैं क्या करने वाली हूँ, सॉल्यूशन वन में वाई एक्स में आपका आएगा सॉल्यूशन, रिप्लेस कर रहे हो किसको, सॉल्व को क्या रिप्लेस किया है, इन कर्ली ब्रेसेस सी वन विच इज वन कॉमा सी टू दैट इज टू, कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दिया. वहां पर अभी मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर में क्या सिखाया था, आपको ओनली सिंपली सी वन की वैल्यू देनी थी, तो यहां पर आपको दो कॉन्स्टेंट है तो दो वैल्यूज दे दी है. आउटपुट आएगा फर्स्ट फैमिली ऑफ कर्व आएगा, सेकेंड में आपको देना है अगेन वाई एक्स, रिप्लेस कर रहे हैं दिस सी वन इज थ्री एंड दिस सी टू इज फोर, टू फैमिली ऑफ कर्व्स आ गए. जब आपने सी वन वन रखा सी टू टू रखा, नेक्स्ट सॉल्यूशन में आपने सी वन को थ्री रखा सी टू को फोर रखा. Similarly, I need how many solutions? Four solutions. At least कितने solutions की बात की है मैंने question में? Four solutions की. तो यानी आपको four choices होंगी आपके C1 और C2 को assume करने के. ये आपकी constant है, आप अपनी choice से लिख सकते हो. आप देख रहे हो हर बार मैंने ना कि one को change किया है, यहाँ पर मेरा original जो solution starting में जो मैंने name दिया है उसको उसके solutions में मैं C1 और C2 को change कर रही हूँ. तो ये सबको क्लियर होना चाहिए. फर्स्ट अगर आपको समझ में आया हो तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगर इसमें अभी किसी को डाउट हो तो मैं अभी यहीं स्टॉप करके आपसे डाउट्स लेती हूँ. सभी को क्लियर है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस और फैमिली ऑफ कर्व फर्स्ट क्वेश्चन का मीनिंग? यस मैम. ओके, अब हम एक तरीका और बताती हूँ इसमें मैं आपको. ये फर्स्ट मेथड हो गया. अच्छा, अभी मैंने यहाँ पर प्लॉट की बात नहीं करी. प्लॉटिंग अगर मुझे इसमें करनी है, जस्ट राइट दिस प्लॉट वर्ड एंड इन ए कर्ली ब्रेसेस राइट योर सॉल्यूशन वन. सॉल्व नहीं कर रही हूँ, सॉल्व में क्या था, कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहे थे. फर्स्ट जो सॉल्यूशन आया उसमें कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, मैंने जहां पर कांस्टेंट वैल्यूज दी है मैं उनको प्लॉट करूंगी, सॉल्यूशन वन सॉल्यूशन टू सॉल्यूशन थ्री एंड सोल्यूशन फोर. पहले आप लोग थ्री तक ट्राई करोगे, फोर बाद में दोगे, एटलीस्ट थ्री सोल्यूशन आपको चाहिए. फोर पर मत जाना क्योंकि हैवी कमांड हो जाएगी तो ये भी शायद रन ना करें. तो एटलीस्ट थ्री सोल्यूशन में हम थ्री फोर आप हटा दो. अब आपके पास क्या है, वेरिएबल इज एक्स, सो जस्ट राइट मिनिमम एंड मैक्सिमम रेंज, प्लॉट स्टाइल क्या क्या कलर हो जाएंगे, कोई भी आपने थ्री कलर चूज कर लिए. फ्री
फ्रेम कर देना आप इसमें, अभी ये जो कमांड्स कर रही हूँ ये आप करके देखना, फ्रेम में क्या आता है, ट्रू एक्सेस ओरिजिन, एक्सेस ओरिजिन में क्या आ जाएगा, 0 0, ग्रिड लाइंस, ग्रिड लाइंस में क्या लेते हो आप, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक एंड द कॉमा। एक नई कमांड मैं आपको बता रही हूँ, इमेज साइज, जब आपका ग्राफ क्या हो छोटा हो तो आप इमेज साइज अपना चेंज कर सकते हो, कर्ली ब्रेसेस नहीं आएगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होगा, क्योंकि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, स्क्वायर ब्रैकेट से, कर्ली ब्रेसेस मैं कहीं नहीं लगा रही थी, साथ के साथ क्लोज कर रही थी। तो ये आपका किसके लिए हो गया, प्लॉट के लिए कमांड हो गई। क्या क्या यूज करना है, 2 बजे का कहा था भाई मैंने। हाँ कुछ लोग अभी लेट ज्वाइन कर रहे हैं। प्लॉट में क्या करना है, आपके तीनों फंक्शंस लिखने हैं, जो आपके तीनों डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं वो लिख, उनके नेम जो आपने दिए हैं असाइन किए हैं वो लिखने हैं, एक्स की मिनिमम एंड मैक्सिमम रेंज लिखनी है, प्लॉट स्टाइल आपको उनको आपके डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस को जो आप प्लॉट करना चाहते हैं उनके डिफरेंट कलर्स में प्लॉट करते हैं, सो वी आर यूजिंग द प्लॉट स्टाइल, कि जिससे हम पता लगा सके हमारा ग्राफ किसका है। एक और तरीका होगा, अभी मैं देखूंगी कि कितने लोगों के इसमें मोबाइल में ये वर्क करता है, तभी बताऊंगी, ठीक है। अभी हम जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है उसके साथ काम करेंगे। फ्रेम, फ्रेम जिससे हमें दिखे कि हमारा ग्राफ किस किस एक्सेस पर जा रहा है, पॉजिटिव साइड जा रहा है, नेगेटिव साइड जा रहा है, इसके लिए हमें फ्रेम को ट्रू, एक्सेस ओरिजिन, क्योंकि हमारा ग्राफ हमें 0 0 से स्टार्ट होता नजर आए, जैसे भी आपका ग्राफ हो रहा हो, इस तरह की इक्वेशंस हैं, इस तरह की इक्वेशन है, तो एटलीस्ट ओरिजिन को ओरिजिन से पास हो रहा हो। ग्रिड लाइंस ऑटोमेटिक आपको पता है ये ग्रिड लाइंस में देगा इस तरह से ग्राफ। इमेज साइज आपकी, सपोज ये इतना सा ग्राफ आ रहा है, आप इसको और स्क्रीन पर बड़ा करना चाहते हो तो ये आपको फुल जितना आप इमेज साइज चूज करोगे उसके साथ देगा, ठीक है। ये तो हमारी फर्स्ट कमांड खत्म हो गई है, फर्स्ट प्रोसेस मैंने आपको समझाया है। सेकेंड हम स्टार्ट करते हैं इसी डिफरेंशियल इक्वेशंस को। सेकेंड में हमारे पास क्या है, मेथड, मेथड टू मैं आपको क्यों सिखा रही हूँ, क्योंकि अब मुझे क्या चाहिए था, मोर देन वन सॉल्यूशन चाहिए थे। अब आपकी सपोज इक्वेशन है यही अगर आप रखना चाहते हो, ये मैं जो भी लिख रही हूँ इक्वेशन उनको आप खुद लिखोगे, मैंने सपोज इसका नाम दे दिया, सॉल्व ना दे दिया, बी दे दिया, डी सॉल्व, इक्वेशन क्या है मेरे पास, 4, दिस इज योर 4y" एक्स प्लस 12y- एक्स प्लस 9, दिस इज नॉट y(x) इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई, डी सॉल्व 4y" क्या बीच में आएगा, स्टार, यहाँ पे स्पेस यूज करोगे, 12*y-x प्लस 9y(x) इज इक्वल टू 0, वी आर सॉल्विंग दिस इक्वेशन फॉर yx, वी नीड अवर सॉल्यूशन इन द टर्म्स ऑफ yx बिकॉज अवर y इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वी आर सॉल्विंग दिस इक्वेशन फॉर x, यू विल गेट आउटपुट इन दिस टर्म ऑफ yx, सपोज दिस इज योर आउटपुट ऑफ दिस इक्वेशन c1 प्लस e^-3x/2 एक्स सी टू, सपोज दिस इज योर आउटपुट ऑफ दिस इक्वेशन। नाउ व्हाट वी आर डूइंग हियर, सपोज टेकिंग c1 एज अ फिक्स्ड कांस्टेंट, क्या कर दिया मैंने, c1 को फिक्स कर दिया, c1 की वैल्यू एक बार फिक्स कर दी, और C2 को मैं क्या कर रही हूँ, हर बार चेंज कर रही हूँ, तो अब मुझे वो 4 इक्वेशंस या 4 सॉल्यूशंस लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसको जस्ट गिव इट एनी नेम, दिस B1, व्हिच इज मतलब कनेक्टेड नेम देना जिससे कि आपको इजी हो जाए,
एंड यूज जस्ट टेबल कमांड. ऑल ऑफ यू नो दैट व्हाई वी आर यूजिंग टेबल. टेबल क्या करते हैं, हमें टेबल फॉर्म में सॉल्यूशंस देगा. टेबल का पता है कोई सी को मीनिंग? वाई एक्स, अभी बाद में पूछती हूँ, मैं पहले कंप्लीट कर लेती हूँ अपनी कमांड. अभी मुझे वाई एक्स रिप्लेस कर रही हूँ सॉल्यूशन को जिस बी में. नहीं, ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस था. क्या यूज कर लिया मैंने? टेबल. यहाँ पर वाई एक्स रिप्लेस किया बी को. बी में किसको रिप्लेस किया? इन अ कर्ली ब्रेसेस सी वन को मैंने क्या कर दिया? फिक्स एज अ वन या टू ले लो आप, कॉमा. सी टू को मैंने नेम दे दिया, एनी नेम दिस के. अब के को भी तो मुझे असाइन करना होगा. नाउ अगेन यूज दिस के. अब के की आपके पास चॉइसेस है, कितने सॉल्यूशंस लेना चाह रहे हो? थ्री, तो थ्री चॉइसेस दो. टू टू फाइव, ये आपको क्या क्या इन्वॉल्व करके दे देगा? टू थ्री फोर एंड फाइव. अगर मैं यहाँ फोर लिखूंगी तो ये मुझे थ्री सॉल्यूशंस देगा. अगर फाइव लिखूंगी तो यहाँ पर ये फोर सॉल्यूशंस देगा. कर्ली ब्रेसेस क्लोज एंड योर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज. क्या डिफरेंस नजर आया? मैंने क्या किया था, थ्री सॉल्यूशंस फैमिली ऑफ कर्व में मैंने सी वन और सी टू की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दी थी. बट इतने टाइम्स मुझे ये सॉल्यूशंस रिपीट ना करना पड़े, इतनी एक्सरसाइज ना करनी पड़े, उसके लिए मैंने क्या कर दिया, इसको शॉर्ट कर दिया. समराइज कैसे किया, ये इसका कुछ आउटपुट आया. सी वन और सी टू में मैंने किसी को भी, आपके पास दो चॉइसेस है, या तो आप सी वन को फिक्स कर दो या सी टू को फिक्स कर दो. और एक और भी तरीका है, यहाँ पर सी वन को भी के ले लो और सी टू को भी क्या ले लो, के ले लो. और क्या कर दो, के की फिर चॉइसेस दे दो ऐसे ही. तो दोनों क्या होंगे, हर बार डिफरेंट सॉल्यूशंस आएंगे. ठीक है, वो भी करके सकते हो. अभी मैंने यहाँ पर क्या लिखा, आप ये मेंशन करोगे एक बुलेट बना के, अपने हाईलाइट करोगे क्या जो भी आप नया करने वाले हो. आप सी वन को फिक्स कर रहे हो, फर्स्ट कॉन्स्टेंट को फिक्स कर रहे हो. अगर सेकंड को कर रहे हो तो सेकंड को फिक्स करोगे. और क्या कर दोगे, यहाँ पर सी वन की जगह के और सी टू की जगह कोई वेरिएबल आपने क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है. तो जब आपने यहाँ पर के असाइन किया तो के को भी तो कुछ वैल्यूज देने होंगी. अब आपके पास थ्री सॉल्यूशंस आएंगे इसके. ठीक है, बट आप कहोगे कि मैम अब हमें क्या करना होगा प्लॉटिंग के टाइम पर. मैंने इसको नेम क्या दिया है, बी. मुझे इस आउटपुट का सॉल्यूशन चाहिए, तो इस आउटपुट के सॉल्यूशन के लिए मुझे क्या करना होगा, प्लॉट क्या नेम दो, बी वन और मिनिमम रेंज माइनस वन टू वन सपोज, और जो भी आपके अभी मैंने कमांड्स रिपीट करी हैं वो सारे. है ना इंटरेस्टिंग? सेकेंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशंस में फैमिली ऑफ कर्व बनाना. आपने क्या किया, सेकेंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशंस लिखी, उसको सॉल्व कुछ भी किया, मतलब इसको आउटपुट आएगा, इस इक्वेशन को सॉल्यूशन देगा डिसॉल्व से. अब आप सी वन और सी टू को लिखने के तरीके सीख रहे हो. एक तो चॉइस ये हुई आपने, फर्स्ट मेथड क्या हुआ कि आप हर बार सी वन और सी टू को नई वैल्यूज असाइन करो तो आप फर्स्ट मेथड यूज करोगे. सेकेंड मेथड में आपने सी वन और सी टू में से किसी एक को फिक्स कर दिया और टेबल कमांड यूज करोगे. किसके लिए, आपके ये यहाँ पर वैल्यूज आपको क्या करनी है, टेबल फॉर्म में देनी है. ठीक है, जहां तक ठीक है, आगे बढ़े. फर्स्ट ईयर समझ में आ रहा है? नहीं? यस मैम. महिमा, मंजरी, कुसुम, यस मैम, समझ में आ रहा है? मैं नाम बोलूंगी फिर आपको दिखाना होगा रैंडम किसी का भी ना मैम. हाँ जी महिमा मैम, ये जो आपने आउटपुट लिखा हुआ है मैम, ये क्या ये हमारी कमांड है या फिर मैम आपने नहीं, हमें... नहीं, ये इन जनरल मैंने तुम्हें समझाने के लिए, दिस इज द एक्स्ट्रा पार्ट. ये कमांड का पार्ट नहीं है, कमांड मैंने ऊपर लिखी है. दिस इज योर कमांड. ओके मैम, इट इज ऑल्सो अ कमांड. ये एडिटिंग पार्ट है जो आप एडिट करोगे अपनी फाइल में, मेंशन करोगे ना. आपकी फाइल कभी भी आप ओपन करो तो आपको समझ में आना चाहिए ना कि आपने मैथमेटिका में क्या किया है. आप किसी दूसरे को भी तो समझाओगे. ओके हमारी बात तो
हमारी बात, तुम ही नई जनरेशन हो, तुम ही सिखाओगे सबको। आगे बढ़े, ये तो हमारी क्या हुई, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स की बात हो जाए अब जरा, जहां पर तो कांस्टेंट इन्वॉल्व थे। ठीक है, अब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, सेकेंड ऑर्डर की बात हो गई, तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को कैसे भूल सकते हैं? इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, अब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स में क्या मिसिंग हो जाता है? कांस्टेंट हट गए होते हैं, तो उन इक्वेशंस को हम कैसे लिखेंगे? जस्ट गिव इट एनी नेम, बी सॉल्व। ध्यान से देखना, मैं इक्वेशन लिख रही हूँ, कर्ली ब्रेसेस में अब मैं इक्वेशन स्टार्ट कर रही हूँ। वाई डबल डैश, अभी तक इससे पहले नहीं की थी मैंने, प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू 3x, दिस इज योर मल्टीप्लिकेशन का साइन है स्टार, 3x। यहाँ खत्म हो गई आपकी इक्वेशन। यहाँ पर इनिशियल कंडीशंस मेंशन की, y जीरो इज इक्वल टू 2, तो क्या आ जाएगा? इक्वल टू 2, ऑर्डर 2 की है, तो एक और आएगा आपके पास यहाँ पर, y डैश 0 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2। जितना ऑर्डर होता है उससे एक लेस तक आपके पास इनिशियल वैल्यू में कंडीशंस होती है। वाई डैश था तो यहां तक ही कंडीशन होती है, वाई डबल डैश है तो यहां तक आपकी कंडीशंस होंगी। ठीक है, डिटेल में सर पढ़ाएंगे, मैं आपको छोटी छोटी जो ट्रिक्स हैं, वो जो हिंट्स हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस के। सेकेंड ऑर्डर है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स में आपकी कंडीशंस कितनी होगी? एक लेस ऑर्डर तक होगी। ठीक है, तो y जीरो एंड y डैश जीरो। अगर यही डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर 3 की होती तो आपके पास कैसी कंडीशन होती? y जीरो, सॉरी y x, y डैश x और y डबल डैश x। फाइन, यस मैम, अब हमारे पास क्या होगा? अभी तक मैंने कर्ली ब्रेसेस का ये क्या काम है, यहाँ पर ये खत्म हो गई, ये मेरी इक्वेशन का पार्ट खत्म हो गया। कॉमा लगाया मैंने, किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं? वाई एक्स के लिए और एक्स के लिए। काम खत्म हमारा, सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन लिख ली। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में आपको आउटपुट देगा जिसमें विदाउट कॉन्स्टेंट आपके सोल्यूशंस होंगे। अब मुझे क्या देना है, अब मुझे इसको प्लॉट करना है, तो प्लॉट वाई एक्स वेयर, रिप्लेसिंग किसको, सॉल्यूशन नेम दिया है एक्स में, -2 से 2 रेंज दे रही हूँ सॉल्यूशन के पार्ट में, और क्या दे रहे हैं प्लॉट स्टाइल में। अब आप दोगे क्या दे देंगे? अब हम, अगर मेरे पास सिंगल कलर है तो रेड, और उसकी थिकनेस कैसा चाहिए मुझे? थिक। आपके पास ऑप्शंस खुल के आएंगे, और बाकी जो है ग्रिड लाइंस, एक्सेस, फ्रेम, ये सब कुछ आगे आप मेंशन कर लेना, और क्लोज योर पैकेट करके दिखा दूं। अब मैं जरा सेकंड ऑर्डर की, आज सेकंड ऑर्डर ही करेंगे, थर्ड का नहीं कर पाएंगे। अगर आप 2 दिन भी कर लोगे, मंडे एंड वेडनेसडे, तो ये मैं, क्योंकि दोबारा रिपीट होगा ये बैच थर्सडे को, तो फिर हम थर्सडे करेंगे। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर का ही आज मैं बता रही हूँ कि आपके पास 2 पार्ट में करेंगे हम, फर्स्ट ए एंड फर्स्ट बी। आप इस प्रैक्टिकल को फर्स्ट ए दोगे और दूसरे वाले को फर्स्ट बी। ठीक है, इसी के 2 पार्ट्स। मैथमेटिका में करके दिखा दूं अभी मैं? यस मैम, ओके। हाँ मैम जी बेटा। जो आपने ये वाई जीरो इक्वल्स टू 2 और वाई डैश जीरो इक्वल्स टू -2 लिखा है, ये हमें अपने पास से लेना है या फिर क्वेश्चन में नहीं, गिवन ये क्वेश्चन में मेंशन होगा बेटा, कंडीशंस आपको मेंशन होंगी, क्वेश्चन है? ओके मैम, में आपको मेंशन होंगी ये सारी कंडीशंस, आप खुद से चूज नहीं कर सकते हो। अब जरा, प्रैक्टिकल की वीडियोस भी शेयर करेंगी ना? हाँ, प्रैक्टिकल की वीडियोस भी शेयर कर दूंगी। ठीक है, यस मैम। स्क्रीन में आपको दिखा रही होगी मैथमेटिक्स का, ये वाला बंद कर देती हूँ। ठीक है, कैमरा ऑफ कर देती हूँ।
उसकी जरूरत नहीं अभी हमें। स्क्रीन दिख ही रही है सबको। फर्स्ट मैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ही करके दिखा दूं आपको पहले। सबसे पहले देखो यस मैम। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में सपोज मैंने ये इक्वेशन का आपका नेम दे दिया इक्वल टू डी सॉल्व। नेम आ ही जाएगा डी सॉल्व कैपिटल। मैम हाँ कैमरा ऑन है। कैमरा ऑन है, एक मिनट। अभी ठीक है? स्क्रीन दिख रही है आपको? यस शायद मैम। मैंने दो जगह से ज्वाइन किया हो ना, तो उसमें दूसरे से दिखा रहा होगा आपको। लैपटॉप की स्क्रीन दिख रही होगी आपको? यस मैम। बी सॉल्व लिखा है, इन कर्ली ब्रेसेस मैंने लिखा है वाई डबल डैश इन स्क्वायर ब्रैकेट एक्स प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट एक्स इज इक्वल टू थ्री। मल्टीप्लीकेशन का साइन ले लिया मैंने एक्स। ये मेरी इक्वेशन कंप्लीट हो गई। यहां मैं अब इनिशियल कंडीशंस मेंशन कर रही हूँ, दैट इज वाई चल जाए जीरो विच इज इक्वल टू टू। दो बार इक्वल टू लगेगा मैथमेटिका में। कॉमा जाए जाए डैश दिस जीरो एंड इक्वल टू दैट इज ब्रैकेट में ले लेती हूँ मैं इसको माइनस ऑफ टू, क्योंकि माइनस ले रही हूँ। दिस ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गई कर्ली ब्रेसेस का काम। यानी कि ये इक्वेशन हमें एक क्वेश्चन में गिवन है। अब मुझे सॉल्व करना है इसको वाई एक्स के लिए, दैट इज दिस एक्स कॉमा एक्स। कंप्लीट कमांड हो गई है, शिफ्ट एंटर प्रेस किया है तो ये आपके पास देख रहे हो। आपके पास सॉल्यूशन क्या आया है? थ्री एक्स प्लस टू कॉस ऑफ एक्स माइनस फाइव साइन ऑफ एक्स। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है बट विदाउट कॉन्स्टेंट। कैसी आ रही है? विदाउट कॉन्स्टेंट आ रही है ना। यस मैम। अब हमें क्या करना है, इसको प्लॉट करना है इस इक्वेशन को, जहां पर मैं वाई एक्स को रिप्लेस कर रही हूँ। y x में रिप्लेसमेंट चाह रही हूँ किसके, इसके सॉल्यूशन वाले पार्ट में, क्योंकि मैंने सॉल्व नेम दिया है इसको। एंड क्या कर रही हूँ, सॉल्व के बाद रिप्लेस नहीं कर रही हूँ। सॉल्व में मुझे क्या चाहिए, कर्ली ब्रेसेस x द मिनिमम रेंज ऑफ x दैट इज माइनस टू कॉमा टू। मैंने x के बाद कॉमा मिस कर दिया है, ये दिस वन। क्या किया मैंने, प्लॉट यूज किया है वाई एक्स में। रिप्लेस वाई एक्स में क्या रिप्लेस कर रही हूँ, सोल्यूशन वाले पार्ट में रिप्लेसमेंट कर रही हूँ। सोल्यूशन में कुछ नहीं रिप्लेस किया है, कॉमा लगाया है। यहाँ पर एक्स की मिनिमम एंड मैक्सिमम रेंज दे दी है कॉमा। प्लॉट क्या चाहिए मुझे, प्लॉट स्टाइल चाहिए। सिंगल फंक्शन है मेरे पास, सिंगल आउटपुट आया है, तो मैं क्या नेम दूंगी, दिस टाइप कलर दिस रेड। एंड आपको क्या चाहिए, थिक चाहिए। आप देखोगे ये आप ऑटोमेटिक आ गया है एंड कंप्लीट। अब मैम आज यही आपको क्वेश्चन होगा। क्या कह रहे हो बेटा,
मैम प्रैक्टिकल 1A में एक ही क्वेश्चन देंगे ना आप? मैं आपके उसके पार्ट दूंगी ना क्वेश्चंस, एटलीस्ट 5-6 क्वेश्चंस करने होंगे ऑर्डर 2 के, और 5-6 क्वेश्चंस ही करने होंगे आपको ऑर्डर 3 के बेटा। ओके मैम, टाइम लगेगा ना करने में, अच्छा अभी तो मैं आपको एक्सप्लेन ही कर रही हूँ, यस मैम, क्योंकि फर्स्ट प्रैक्टिकल आपका बड़ा है, फर्स्ट प्रैक्टिकल में ऑर्डर 2 भी है ऑर्डर 3 भी है, और फैमिली ऑफ कर्व की बात हो रही है तो हमें एटलीस्ट 3-4 सॉल्यूशंस चाहिए, एटलीस्ट 3 तो चाहिए ही चाहिए। यस ठीक है, आप अपने आराम से करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा कमांड पर बीच में मैंने कहाँ तक कर दी है, प्लॉट स्टाइल तक, क्या मेंशन और करूँ, ग्रिड लाइंस बताई थी आपको, दैट इज ग्रिड लाइंस, ये आ गई अपने आप की ग्रिड लाइंस, ग्रिड लाइंस में देखो इसने दे दिया ऑटोमेटिक, कॉमा एक्सेस दे दू, एक्सेस मैम हम ग्रिड लाइंस में स्क्वायर्स के साइड भी डिसाइड कर सकते हैं? हाँ इसमें आ रहा था ना अभी ऑप्शन, हाँ यस मैम, पहले ना अपना जो मिनिमम रिक्वायरमेंट वाला काम है ना अपने फोन पर अगर कर रहे हो तो बेटा पहले वो करना, यस मैम, ओके ठीक है, जब आप फ्री हो तब करना, क्योंकि क्या आपका जब मोर देन 1 क्वेश्चंस करोगे आप अपने फोन पर तो मे बी आपका मोबाइल हैंग हो जाए, क्योंकि इस कमांड को रन करने के लिए इसको चाहिए। देखो थिकनेस आ गई, थिक आई आपका ग्राफ है ना, सिंगल ग्राफ था क्योंकि एक ही सॉल्यूशन था मेरे पास तो इसका एक ही ग्राफ आया है। ठीक है, अब मैंने जो आपको सबसे पहला जो करके दिखाया था वो वाला करके दिखा रही हूँ, क्या था, y डबल डैश प्लस y इक्वल टू 0, सॉल्व नेम दे दिया और कुछ दे देती हूँ, दिस कैपिटल A विच इज इक्वल टू क्या करना होगा, डी सॉल्व, डी सॉल्व के साथ के मुझे क्या चाहिए, अब मुझे स्क्वायर ब्रैकेट चाहिए, कर्ली ब्रेसेस नहीं चाहिए क्योंकि मेरी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर मुझे नहीं चाहिए इसको, दिस एक्स प्लस दबाया मैंने, यही थी इक्वेशन मेरी वाई ऑफ एक्स, कि मेरी इक्वेशन कंप्लीट हो गई, कॉमा लगाया मैं यहाँ पर क्या थी साथ में कंडीशन थी दिस इज इक्वल टू 0, सॉरी होमोजेनियस इक्वेशन है, वाई एक्स के लिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि मुझे अपना आउटपुट वाई एक्स में चाहिए, मुझे मेरा सॉल्यूशन वाई एक्स के टर्म में आएगा, दिस कंप्लीट, एंड क्या कर दूंगी मैं शिफ्ट एंटर प्रेस कर दूंगी, आप देख रहे हो यहाँ पर दो कॉन्स्टेंट आ गई हैं C1 एंड C2, अब कॉन्स्टेंट को फिक्स करने वाला टॉपिक हमारा बाद में आया था, पहले हमने क्या किया था, हम हर बार इसको कुछ नेम दे दें इसके सॉल्यूशन को भी, विच इज इक्वल टू क्या कर दें, इसका नेम दे दिया और वाई एक्स को मैं रिप्लेस कर रही हूँ, दिस रिप्लेस का साइन किसको कर रही हूँ, ए को रिप्लेस कर रही हूँ क्योंकि मैंने नेम ए दिया है, इसमें क्या रिप्लेसमेंट हुआ है, कर्ली ब्रेसेस यूज करोगे, दिस कैपिटल C1 दिस इज 1 कॉमा कैपिटल C2 विच इज 2, यही कहा मैंने आपको, और कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दिया, अब आउटपुट पे चेंजेस देखोगे, C1 की जगह 1 आ गया एंड C2 की जगह 2 आ गया, अब आपको हर बार क्या करना है, कॉपी करना है, इसको सी नेम दे दिया, सी नहीं देते क्योंकि सी आपका फिक्स है, ठीक है, प्रोटेस्टेड है ये इसमें मैथमेटिका में, पी दे दिया मैंने इसको, पी भी पता नहीं, आई थिंक प्रोटेस्टेड है, दिस कैपिटल A1 ने दे दिया विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पर मैंने इसको कॉपी कर दिया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, बार बार टाइप नहीं करेंगे, और यहाँ पर अब कुछ नया नेम दे दिया, दैट इज 3 एंड 4, ठीक है, तो यहाँ से आपका आउटपुट कैसा आएगा, C1 की जगह 3
एंड सी टू की जगह फोर. अब अगेन इसका नाम दे दिया बी टू, सॉरी बी वन, बी वन ने दिया था विच इज इक्वल टू, ये मैंने दिया वापस कंट्रोल वी कर दिया. ये हमें टाइम सेविंग बता रहा है कि हम बार बार टाइप नहीं कर रहे हैं. ठीक है, अब हमारे पास कितने सॉल्यूशंस हो गए, वन टू एंड थ्री सॉल्यूशंस हो गए. अब मुझे इन सब की प्लॉटिंग चाहिए, तो प्लॉट, प्लॉट कमांड यूज करेंगे. किस किस की प्लॉटिंग चाहिए, स्क्वायर ब्रैकेट लिया, कर्ली ब्रेसेस में मुझे नेम देने हैं उनके, तो फर्स्ट मेरा क्या है, कैपिटल बी कॉमा कैपिटल ए वन कॉमा कैपिटल बी वन. यही तो मैंने, इन्हीं पे मेरे सॉल्यूशंस के आउटपुट आए हैं सी वन सी टू की. ये कर्ली ब्रेसेस मेरा क्लोज हो गया है और मुझे अब कुछ नहीं करना, जस्ट रेंज देनी है मिनिमम एंड मैक्सिमम. ठीक है, और प्लॉट स्टाइल डाल देती हूँ, बाकी आप अपनी चॉइस से डाल देना. प्लॉट स्टाइल तीन कलर्स चूज कर लेते हैं हम, फर्स्ट ग्रे आ गए हमें, क्योंकि कलर्स अब किस में देने होंगे, कर्ली ब्रेसेस में, दिस रेड कॉमा ब्लू एंड पिंक डाल देते हैं. ये कर्ली ब्रेसेस मेरा क्लोज हो गया. और तो एक इमेज साइज दिखाना था मुझे आप लोगों को ना, पहले यही देखते हैं कि पहले इसका क्या आता है, फिर उसमें चेंजेस कर देते हैं इमेज साइज में. ये कंप्लीट हो गई कमांड, थ्री कलर्स दिखा रहा है आपको, थ्री कलर्स में ग्राफ दिखा रहा है, रेड ब्लू एंड पिंक. हाँ जी, है ना ऐसे ही बच्चों? यस मैम. अब मैंने आपको नया कमांड जो बताया. हाँ जी बेटा, किसी को कुछ पूछ रहे? इमेज साइज अगर मैंने इसमें मेंशन कर दिया, देखो इसमें टिनी स्मॉल मीडियम लार्ज फुल, मैं जस्ट मेंशन कर देती हूँ इमेज साइज 500. मेरे ग्राफ का जो साइज है वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है. आपको कई बार आता है, होता है ना आपके ग्राफ छोटा आ रहा हो बाय डिफॉल्ट, तो आप अपने इमेज साइज को चेंज कर सकते हो. ठीक है, यहाँ तक पूछना है किसी को कुछ? नो मैम. मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि अगर आप सी वन को फिक्स कर रहे हो और सी टू को वापस, अभी तो मैंने थ्री टाइम्स आपने रिपीट किया कंट्रोल सी और वी करती रही, मैंने इसी इक्वेशन को कॉपी कर लिया और क्या किया, इसको एक नया नेम दे दिया, दैट इज सॉल्व वन विच इज इक्वल टू कंट्रोल वी. ठीक है, जस्ट अब यहाँ पर मैंने सी वन को फिक्स करना चाह रही हूँ, तो इसका नेम मैंने दे दिया सॉल्व टू इक्वल टू. अब यहाँ पर मुझे क्या यूज करना है, टेबल कमांड यूज करना है, टी ए बी एल टेबल. वाई एक्स किया मैंने, यहाँ पर रिप्लेसमेंट का साइन लगाया. रिप्लेसमेंट किसमें चाहिए मुझे, सॉल्व में चाहिए, सॉल्व वन में क्या रिप्लेसमेंट चाहिए, सॉल्व वन में रिप्लेसमेंट दैट इज कर्ली ब्रेसेस, दिस सी वन टेंस टू वन फिक्स हो गया, और सी सॉरी कैपिटल सी दिस टेंस टू थ्री, चूज कर लिया मैंने अभी इसको और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दिया. अगेन इसको मैं कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगी और के को कुछ रेंज दूंगी, ये को आपको देना होगा कॉमा टू कॉमा फोर. मैंने थ्री वैल्यूज दे दी, स्क्वायर ब्रैकेट मैंने कुछ यूज किया नहीं था, टेबल पर स्टार्ट किया था दिस वन ना, ये कंप्लीट हो गया. आप आउटपुट में देख रहे हो
एक साथ थ्री आउटपुट्स आ गए हैं, कॉस एक्स प्लस टू साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस थ्री साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस फोर साइन एक्स। यहाँ पर सी वन क्या चल रहा है, इट इज ऑलवेज वन, फिक्स हो गया ना। और सी टू की वैल्यूज क्या क्या है, टू थ्री एंड फोर। तो आपको फैमिली ऑफ कर्व में बार बार वो सॉल्व वन टू थ्री इस तरह से नाम ना देकर इसी तरह से आप मेंशन कर सकते हो। प्लॉट में, प्लॉट भी रह गया, प्लॉट किसको प्लॉट करना है मुझे, क्या नेम दिया मैंने इसको, क्या नेम, सॉल्व टू, सॉल्व टू, गुड। क्या कर दू, सिर्फ मिनिमम और मैक्सिमम रेंज दे दू, दैट इज माइनस थ्री कॉमा थ्री एक्स मिसिंग हो गया, इज एक्स कॉमा माइनस थ्री एंड थ्री कर्ली ब्रेसेस एंड प्लॉट स्टाइल, बस इतना से करते हैं। प्लॉट स्टाइल में इज रेड ब्लैक एंड ग्रीन, this is and square bracket close। आपके पास थ्री डिफरेंट कलर के ग्राफ आ गए, समझ में आ गए? यस मैम, यस मैम, यस मैम। मैं आपको क्वेश्चन नोट करा देती हूँ। मैम एक एग्जाम्पल दे दीजिए जिसमें सी वन और सी टू दोनों के की टर्म्स में हो। अच्छा ओके, इसी में कर लेते हैं हम। ओके मैं चेंज कर देती हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर मैंने इस तरह से किया और मैंने किसको किया है, मैंने सी वन और सी टू को के ले रही हूँ। यहाँ पर सी वन को भी मैं क्या कर दू, के असाइन कर, उप्स पीछे चला गया, ये मैंने इसका आउटपुट लिया और ये वाली स्लाइड एक्स्ट्रा आ गई है तो मैं इसको जाके कट कर देती हूँ। और यहाँ पर मैं क्या प्रेस कर देती हूँ, अगेन के, आप देख रहे हो टू कॉस एक्स प्लस टू साइन एक्स, थ्री कॉस एक्स प्लस थ्री साइन एक्स, फोर कॉस एक्स प्लस फोर साइन एक्स, क्योंकि मैंने क्या दिया, हाँ जी बता मैम, यहाँ पर तो हमने सी वन और सी टू दोनों को के ले लिया है, अगर मतलब ऐसा हो कि हम सी वन को के वन और सी टू को के टू तो वो कर सकते हैं हम, वो करके देखना, ये करके देख लेते हैं जरा। हमने इसको, मैंने इसको नेम दे दिया M, ठीक है, M देकर यहाँ पर M की रेंज दे दी मैंने टू टू फोर, कॉमा लगाऊंगी और कर्ली ब्रेसेस लगाया, अगेन यहाँ पर मैंने M तो दे दिया था, K असाइन कर देती हूँ, K कॉमा नहीं थ्री कॉमा सेवन, नहीं सेवन क्यों, यहाँ पर हमने टू थ्री फोर दिया है तो थ्री फोर फाइव, फाइव तक की, क्योंकि कंटिन्यूशन में देता है ये रेंज, रैंडम नहीं देगा, ये हो गया, आ गया। इसने क्या दिया, टू फोर, अच्छा जितने कॉम्बिनेशन थे वो बना दिए, टू थ्री 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 है ना, ज्यादा सॉल्यूशंस दे दिए। यस मैम, एम को हर बार, एम को इसने टू लिया, के को थ्री लिया, एम को टू लिया फिर के को फोर लिया, एम को टू लिया फिर के को फाइव लिया, है ना। तो बेटर ये है कि एक ही कॉन्स्टेंट, ओ लास्ट में ट्राई करके देख सकते हो, तो यहां पर मैं रेंज कम कर दू, यहाँ पर भी क्या फिक्स करने वाली बात हो गई ना, एम को आपने टू ले लिया और फिर दिया टू कॉमा थ्री लिया और यहाँ पर मैंने फोर कॉमा फाइव लिया, एक दो तीन चार सॉल्यूशंस आ गए ना, ठीक है नहीं। और मैम जितने सॉल्यूशंस आएंगे प्लॉट स्टाइल में हम उतने ही कलर्स लिखेंगे।
हाँ बेटा, जितने आपके पास आउटपुट में सॉल्यूशंस आए उतने कलर तो आप दोगे, है ओके ना? अदरवाइज तो हम कैसे बताएंगे कौन सा ग्राफ किसका है? मैंने अभी इस पे प्लॉट लीजेंड ट्राई नहीं किया क्योंकि मेरा 7 वर्जन है। मेरे पास जो लेटेस्ट वर्जन था उसमें प्लॉट लीजेंड एक्चुअली मैं करके देखूंगी फिर बताऊंगी, ठीक है? अभी ऑर्डर 3 भी बताऊंगी ना आप लोगों को, उसमें बताऊंगी फिर। प्लॉट लीजेंड अभी नहीं बता रही हूँ, एक मिनट। स्टॉप कर देती हूँ रिकॉर्डिंग।